जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड वेदिका को अपने ऑफिस पे बुलवाकर लड़ाई झगड़ा होने पर गोली चला दी, जिससे घायल होकर वेदिका को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की माने तो वेदिका और प्रियांश दोनों दोस्त थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिससे प्रियांश ने वेदिका को गोली मार दी। अभी प्रियांश विश्वकर्मा जो कि वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट मुझे 2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लग गई है, जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उसके बाद से फिर तभी से हम लोग उनको हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। फिर वहाँ से हम यहाँ पर हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब मतलब पेशेंट को और सब लोग यहाँ। क्या वजह सामने आई? वजह तो कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। वो शायद बीजेपी नेता हैं और तो मैं नहीं जानती, बाकी वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ तो नहीं आया। किसकी थी, पता चला क्या? ये मुझे नहीं पता। कितनी बजे गोली चली आपको? नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। जब गोली उसको लग गई थी उसके बाद जब मुझे उसके बाद फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई, आप आ जाओ। क्या करते हैं जी वेदिका? वो अभी MBA स्टूडेंट है। आपका नाम? भुवनेश्वरी। कहाँ पे लगी है गोली? गोली उसको यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे लगी है। ये नेपर टाउन में रहती है। मैं उसकी मौसी लगती हूँ। आपका नाम? भुवनेश्वरी ठाकुर। 2 बजे मुझे प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं, जो जिनको गोली लगी, उनके दोस्त जो पहले उनके साथ में ही थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लग गई है धोखे से, जो कि बताया मतलब उन्होंने बताया कि जो गोली वो खुद ही चला रही थी, जिसकी वजह से उनको लगी हुई है ये। और इसके अलावा और तो कोई जानकारी मुझे नहीं है। फिर वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हमको लाया गया उनको शाम को 6 बजे। ये घटना 2 बजे के पहले की है, मुझे 2 बजे पता चला था। पुलिस को सूचना मुझे मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब सबको घर वालों को फ़ोन किया तब उन्होंने शायद समथिंग 6 बजे करीब किए पुलिस को। प्रियांश विश्वकर्मा कौन है जिनके यहाँ ये काम करती थी? जी नहीं, ये इनके फ्रेंड हैं, फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे। हाँ जी मैम। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो धनवंतरी नगर चौकी है वहाँ पर प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है, तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जाँच के बाद पता चल पाएगा। प्रियांश विश्वकर्मा नाम है व्यक्ति का, अभी वो भी फरार है, अभी हम उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्यों घटना हुई उसी पे अभी जांच चल रही है। ये अभी कुछ भी नहीं पता है, जो जिस व्यक्ति से घटना हुई है रिवॉल्वर भी गायब है और इनफैक्ट वहाँ का CCTV कैमरे का फुटेज वगैरह भी वो लेके चला गया है, तो अभी हम यही लोग प्रयास कर रहे हैं, जाँच चल रही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैम लड़की का नाम कहाँ? लड़की का नाम वेदिका है और ये वहीं संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं।